नमस्कार, मैं हूं सुनील भारती और आप देख रहे हैं सीटीवी मिथिला। मेरे साथ है शिक्षक संघ बिहार के नेता सौरभ सिंह जी। जानते हैं इनसे कि शिक्षक संघ की जो है किस तरह की भूमिका आप बिहार में अपना रहे हैं और किस तरह से अपनी मांग को रख रहे हैं सरकार के साथ। देखिए, हमारे संघ की भूमिका हमेशा स्पष्ट रहा है, हमारा नीति हमेशा स्पष्ट रहा है। हमने हमेशा शिक्षक की जो समस्याएं हैं इस पर जो है सो हमेशा हमने जो है सो दो चार किए हैं। कभी पदाधिकारी से लड़ना पड़ा तो लड़े, कभी आंदोलन करना पड़ा तो कभी किए, लेकिन शिक्षक की समस्या हमारी प्रथम जो है सो काम में शामिल है और उसको जो है संदिग्धता हम यह काम करते हैं कि शिक्षक की जो भी समस्याएं हो उस पर जो है सो हम पदाधिकारी काम कर। ये है कि संगठनों का उठना और बनना और बिगड़ना इस तरह चला है बिहार में, और यह दौर तब चला जब हम लोगों का चल रहा था आपको समान काम समान वेतन की लड़ाई दिल्ली में, उस समय ये टूटने का दौर चला और कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए संगठन को तोड़ते चले गए, जिसका परिणाम है कि टूटते टूटते अंग तो बहुत हुए हैं लेकिन फिर भी हम अपने आप को पूरे बिहार में बहुत मजबूत पाते हैं। और शिक्षक का पहला ही तैसी पहला संगठन ऐसा है शिक्षक संघ बिहार, जिसके बैनर तले शिक्षकों की आम समस्याओं को सुनी गई। आप बिहार में मजबूत है, क्या दरभंगा में मजबूती के लिए आप जो है क्या कर रहे हैं इसके लिए? दरभंगा में हमारी जो है संगठन संगठित रूप से हम काम कर रहे हैं, हर प्रखंड में हम एक तैयार कर रहे हैं, हर प्रखंड में हम जा रहे हैं, हमारी दौरा बराबर चल रही है। लेकिन दौरा तो कर ही रहे हैं लेकिन साथ साथ सदस्यता भी चलाएंगे, जो 15 जनवरी से हम सदस्यता का काम शुरू करेंगे और पूरे दरभंगा जिला में सदस्यता चलाई जाएगी, सभी प्रखंड में चलाई जाएगी। इसके लिए सभी जिला कमेटी के लोगों को भी कह दिया गया है, बजाते बैठक की भी जो है डेट तय की गई है कि जनवरी में बैठक की जाएगी और उस बैठक में जो है सभी को जो है सदस्यता के जिम्मे दिया जाएगा और सभी लोग जो है जाके काम करेंगे। इस तरह के कई जो है शिक्षक संघ के जो है मतलब कई शिक्षक संघ है जो शिक्षक की बात करते हैं, आप शिक्षक की बात को लेकर के आप अपने आप को उन संगठन में से आप बेहतर कैसे? देखिए, बेहतर ये तो मान लीजिए शिक्षक समाज की जब भी धारा बहती है, जब भी उनकी समस्या आती है उस समय आप हमको जरूर देखे होइएगा कि हम सड़क से लेकर जो है जहाँ तक आंदोलन कर सकते हैं हम करते हैं। शिक्षा की हर एक समस्या में मेरा एक सीधा सोच है कि हमारे संगठन की पहुँच से हर शिक्षक के पास हो, ऐसी व्यवस्था हम करेंगे, ऐसा जो है संगठन हम तैयार करेंगे। तो एक अभी जो फिलहाल मांग चल रही है शिक्षकों की कि जो उन्हें सरकारी सेवक घोषित की जाए, कई तरह के कई आंदोलन भी हुए लेकिन उसको लेकर के आपका जो संघ है वो किस तरह से कर रहा है? देखिए, समान काम समान वेतन की लड़ाई हम हाई कोर्ट में जीते थे, यह सरकार का दुर्भाग्य कहिए कि यह सरकार हम लोगों को अपना नहीं समझी और यह सरकार जो है सो चुकी है तो हम इसी के बीच, लेकिन यह सरकार हमको अपना नहीं समझी और ये सुप्रीम कोर्ट में चली। सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों को अपेक्षा अनुसार जीत हासिल नहीं हुआ, हार का मुंह देखना पड़ा, चूंकि सरकारी तंत्र का इतना दुरुपयोग किया गया, सरकारी पैसा का ये पैसा जो खर्च हुआ सुप्रीम कोर्ट में, जो सरकार के द्वारा पैसा खर्च किया गया वो बिहार के वो कितने परिवार का जो है उससे भविष्य सुधर सकता था, लेकिन उन्होंने भविष्य सुधारने के बजाय उस पैसा को शिक्षा की लड़ाई में जो है झोंक दिया। जहाँ पैसा की बात होती है, जहाँ जो है सो आन मान की बात होती है, तो बिहार सरकार ने जो है यही किया, हम शिक्षकों की जो समान काम समान वेतन की लोकतांत्रिक मांग थी उस मांग को जो है कुचलने का काम किया धन बल के साथ। लेकिन फिर भी हम लोग हार जरूर गए हैं लेकिन हम लोगों का मनोबल नहीं हारा है। हम आपको बता दें कि पूरे बिहार में विभिन्न संगठनों को मिला के बिहार राष्ट्र शिक्षक समन्वय समिति बनाया गया है, उसके बैनर तले हमने आंदोलन किया है। किस तरह पटना की धरती पर बिहार सरकार ने हमारे आंदोलन को कुचला है ये भी आप लोग सब व्याप्त है, ऐसा नहीं है जो वो कोई छुपा हुआ है। सरकार ने अपने पूरे तंत्र का उपयोग किया, पूरे बैरिकेटेड कर दिया, पूरे पटना को जाम कर दिया गया ताकि शिक्षक का आंदोलन किसी भी प्रकार यह सफल नहीं हो सके। फिर भी हम लोगों ने आंदोलन किया है, समन्वय समिति के द्वारा जो है बार बार जो है सरकार को लिखा जा रहा है
कि समान का समान वेतन का जो लोकतांत्रिक का जो मांग है उस मांग को आप पूरा कीजिए, और अगर नहीं पूरा करते हैं तो निश्चित तौर पर बिहार में जो है तो एक बड़ी आंदोलन का जो है रूपरेखा तैयार होगा। जिस समन्वय समिति के अध्यक्ष माननीय ब्रजनंदन शर्मा जी हैं और उनके अध्यक्ष मंडल के अध्यक्ष हमारे केशव कुमार जी, उन्होंने भी कहा है कि सरकार की जो भी नीति आएगी, सरकार का जैसे मानव श्रृंखला का नीति, अब हमको बताइए सरकार अपने फायदा के लिए आम लोगों को जो है खड़ा कर रही है लाइन, जो संवाद करना चाहिए, जो संवाद पहुंचाना चाहिए उनके साथ सरकारी तंत्र था, वो संवाद हर घर हर लोग के पास पहुंच जाता, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है खड़ा करने का काम किया है लाइन। हम मानव श्रृंखला का विरोध तो नहीं करते हैं, लेकिन जब हमारी बात आएगी, जब हमारे शिक्षा समाज की बात आती है तो हम वहां मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि यह हरित क्रांति का जो है सो युग है और इसमें जो इसका क्या उपयोग है यह हम और आप जो है बहुत ज्यादा जानते हैं, क्योंकि एनवायरमेंट जो है जल जीवन जो है प्रभावित करे। तो क्या नीतीश जी को 15 साल में ये लास्ट समय में जब चुनाव आ रहा है तो ऐसे में उनको याद आई कि हरित क्रांति लानी चाहिए, इससे पहले क्यों नहीं इस मुद्दे पर जो है जो काम की गई? देखिए, ये सरकार की सिर्फ वोट बैंक की पॉलिसी होती है, सरकार कोई भी एजेंडा लाती है तो वो वोट बैंक की पॉलिसी से लाती है, और इनका अंतिम समय है और अंतिम विदाई भी है बिहार की सत्ता से, ये इस बार जो है बेदखल होंगे। और निश्चित तौर पर जो शिक्षक को कुंठा भाव से देखेगा, जो शिक्षक के परिवार को जो है कुंठा भाव से देखेगा, ऐसी सरकार क्यों चाहिए और ऐसी सरकार हम क्यों लाएं जो हमारे बच्चे के भविष्य के बारे में ना सोचे, हमारे भविष्य के बारे में ना सोचे? आखिर हम कहाँ हैं, हम अपने आप को कहाँ पाते हैं? आप सोचिए, जो हमारी हमको जो है सो यह सरकार अल्प वेतन दे के जो है सो 2003 से लेके और आज तक जो है शोषण कर रही है, आखिर क्या यह तानाशाही नहीं है? हमने क्या मांगा? हमने तो वही मांगा है ना जो हमको समान कम समान वेतन दे, हमने ये तो नहीं कहा। अब बताइए, जो 5 साल के लिए लोग जाते हैं, जो कहते हैं कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, भाई आप समाज सेवा करते हैं तो आपको वेतन क्यों चाहिए? क्यों वेतन चाहिए? क्यों आपको भत्ता चाहिए? क्यों आपको पेंशन चाहिए? जो कर्मचारी 60 वर्ष इस देश की सेवा करेगा वो आपको पेंशन के भोगी नहीं। तो निश्चित तौर पर ये सारी ज्वलंत मुद्दाएं हैं हमारे पास, और इन मुद्दाओं पर हम सरकार को घेरने के लिए तैयारी कर रहे हैं, व्यापक रूप से तैयारी कर रहे हैं मानव श्रृंखला का। अब आपको बताइए, पूरे दरभंगा जिला सामुदायिक किचन चलाया गया, शिक्षकों ने जान माल को खेप कर अपना जो है सो जान की परवाह नहीं किया और यह जो है सामुदायिक किचन का संचालन किया गया। आवंटन है, सब कुछ है, लेकिन सरकारी तंत्र इतना फेल है कि आज शिक्षकों का भुगतान नहीं हुआ। 7 करोड़ रुपया पूरे दरभंगा जिला में सामुदायिक किचन में चलाया गया। 7 करोड़ रुपया का आज मार्केट वैल्यू क्या है ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। आखिर हमारे शिक्षक उसका जो है भरपाई कहाँ से करें? वो ब्याज पर रुपया लिए और ब्याज पर रुपया लेके कोई लोग भैंस बेच के दे रहे हैं तो कोई गाय बेच के दे रहे हैं, तो किसी का चलना मुहाल है। लोग सड़क पर जो है सो डर से चलते हैं कि कहीं दुकानदार हमको देख लेगा तो वो हमको तगादा कर देगा, और शिक्षक समाज एक प्रमुख समाज होता है। तो क्या ये जो शिक्षक की जो विभिन्न समस्या है दरभंगा में वो आप किस तरह से निपटने के लिए तैयार है? देखिए, हम एक जोरदार आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और जनवरी में जो है एक जोरदार आंदोलन किया जाएगा। निश्चित तौर पर जो सरकार की अभी जो इनका मानव श्रृंखला चल रहा है, अगर इन्होंने 15 जनवरी तक सामुदायिक किचन का भुगतान नहीं किया तो शिक्षक मानव श्रृंखला में भाग नहीं लेते, और बच्चे तो भाग लेंगे, बच्चे भी जवाबदेही उसके लिए हम नहीं कि बच्चे भाग लेंगे कि नहीं लेंगे। हाँ, हमारा जो संवाद स्थापित है बच्चों से वो संवाद स्थापित करेंगे, लेकिन हमारे शिक्षक इस जो है मानव श्रृंखला में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे शिक्षकों को जो है तो समान काम समान वेतन की जो लड़ाई थी उसको सरकार ने कुचलने का काम किया है। समान काम समान वेतन का लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा, जो सरकार ने नहीं दिया। आज सामुदायिक किचन हम चलाया, उसका भुगतान नहीं हुआ। दुर्भाग्य की बात है कि आखिर इतना सरकारी तंत्र इतना विफल क्यों? आज सोचना चाहिए। आज हम जिला पदाधिकारी से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई कीजिए जो सामुदायिक किचन, जबकि जिला पदाधिकारी के द्वारा टोटल आवंटन सीओ को दे दिया जाए, लेकिन फिर भी भुगतान नहीं हो पाया। तो जो ये समस्या हो रही है शिक्षकों के साथ जो भुगतान नहीं हो रही, इसको लेकर के आप क्या आवाज उठाएंगे? निश्चित तौर पर मानव श्रृंखला का जो है सो विरोध किया जाएगा, साथ ही दरभंगा जिला में जो है सो जोरदार आंदोलन किया जाएगा, सभी सीओ के विरुद्ध जो है सो श्वेत पत्र जारी किया जाएगा, और निश्चित तौर पर संगठन जो कर सकते हैं हम वो शिक्षक हिताई के लिए हमेशा किए हैं और करेंगे।
क्या लगता है कि झारखंड जो चुनाव है वहाँ शिक्षकों के साथ जो हुई है उसके कारण बीजेपी हार हुई है? देखिए, झारखंड चुनाव जो है रघुवर दास सरकार को सीख दिया है। ये सीखने की चीज है कि जो कर्मचारी आपके हैं आप उनका उनके साथ गुंडों की तरह व्यवहार करते हैं। आपकी भाषा गुंडों की तरह है। क्या आप शिक्षक को जो है सो डरा के धमका के आप जो है सो उसकी आवाज को जो है गरीब गुरुओं की आवाज को आप बंद करें? ऐसे ही सरकार वहां चल रही थी जिस सरकार का पट्टा छेद। क्या इस तरह से लग रहा है कि बिहार में भी जो शिक्षकों का इस तरह से नाराजगी है, क्या नीतीश कुमार को भी इसका नुकसान होगा? बिहार में इस बार नीतीश जी अगर समान काम समान वेतन नहीं देते हैं तो यही कर्मचारी इनका जो है सो अंतिम जो है विदाई बिहार से तय है। दुनिया की कोई ताकत, इनके जितने भी MLC खड़ा होंगे, MP MLA खड़ा होंगे, सभी को जो है शिक्षक हराने का काम करेंगे और इनका सुखड़ा साफ करने का काम करेंगे। तो ये थे सौरभ सिंह जी जो शिक्षकों के नेता हैं और इन्होंने जो कोर्ट से जब इनका जो शिक्षकों की मांग है वो कोर्ट से हार गए, उनके बावजूद भी शिक्षकों की मांग के लिए करके अभी भी लड़ाई जारी रखे हुए हैं और आगे भी रखेंगे। सुनील भारती।